हेलो फ्रेंड्स, लर्न वन की एक्सेल सीरीज में अभी अभी हमने एक फार्मूला लिखना सीखा। अब उसी फार्मूला को कहाँ और कैसे कॉपी करना है वो हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा सिलेक्टेड सेल है B4, जिसके अंदर फार्मूला लिखा हुआ है B2 - B3। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको फार्मूला बार देखने का एक आदत बना लेना है, क्योंकि हम अक्सर किसी भी टेबल में या तो रेफ़र करेंगे कि क्या ये वैल्यू है या कोई फार्मूला है। देखने में तो 20 वैल्यू दिखता है, पर जब इस पे सेलेक्ट करते हैं तो पता चलता है फार्मूला बार में कि यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है। अब मुझे ये फार्मूला को, जो जनवरी का प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा था, वही मुझे बाकी के सारे मंथ्स के लिए कैलकुलेट कराना है। अगर मुझे ऐसा करना है तो मैं वापस से यहाँ पर फार्मूला नहीं लिखूँगा। हम इस फार्मूले को ही इसके पास वाले सेल में कॉपी कर देंगे। पर कैसे? दरअसल में 20 आया कैसे, तो वो था 180 - 160। इसे और आसान या एक्सेल की भाषा में समझें तो वो था B2 की वैल्यू माइनस B3 की वैल्यू। अब जब मुझे यहाँ फार्मूला चाहिए तो मुझे चाहिएगा C2 - C3, और सेम वे में D2 - D3। फार्मूला कॉपी करने के लिए हम उस सेल को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर हमारा फार्मूला लिखा हुआ है, और मैं इसे ड्रैग करके सारे मंथ्स के लिए अप्लाई कर देता हूँ। तो वैल्यूज़ जनरेट हो गई, 420 - 360 = 60। ये सही भी है। अब वापस से हम अपने फार्मूला बार में अगर देखें तो यहाँ पर फार्मूला अपने आप क्रिएट हो गया C2 - C3। ऐसे ही इसके लिए क्रिएट हो गया D2 - D3। तो दरअसल जब हम किसी भी फार्मूला को कॉपी करते हैं तो हम उसका रेफरेंस कॉपी करते हैं, यानी कि यहाँ पर रेफरेंस था B2 - B3, और सेम वे में इस फार्मूला के लिए रेफरेंस बन गया C2 - C3। अभी हमने एक टोटल कैलकुलेट किया था। यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ किया था सम B2 से लेके G2 तक, मतलब ये फार्मूला जो करता था वो B2 से लेके G2 तक के सारी वैल्यूज़ का सम करके देता था। अब अगर मुझे एक्सपेंसेस का सम भी चाहिए तो मैं इस फार्मूला को सेलेक्ट करूँगा और ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा। तो हम देख सकते हैं कि अब हमारा फार्मूला, अगर हम H4 सेल में देखें तो टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फार्मूला अपने आप बन गया है। ऐसे ही टोटल एक्सपेंसेस का फार्मूला भी अपने आप बन गया। अब अगर मुझे एवरेज के लिए भी सेम करना है तो सेम मैनर में मैं एवरेज के फार्मूला को ड्रैग करके नीचे लेके आऊँगा तो मुझे अपनी एवरेज वैल्यूज़ मिल जाएगी। एक बार आपने फार्मूला लिख दिया और उसको किसी भी जगह पर अप्लाई करना है तो हम इस वे में सेलेक्ट करके उसे ड्रैग कर देंगे तो वो सारी जगहों के लिए अप्लाई हो जाएगा।